सन 1818 दे विच निज़ाम दे जिहड़े राज वैद सीगे जिन्हां दा नां सी नेमंत राव जिहड़े इत्थे दे जागीरदार भी सी उन्हां ने यह जमीन जिहड़ी है उपहार स्वरूप या दान स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे नाते की सीगी जिहदे कि कागज़ पत्तर अज भी देखण नूं मिलदे ने। फतेह दी सांझ नाल नवे दिन की शुरुआत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप कुछ करते हो तो गुरु नूं कुछ होर मंजूर होंदा है। साडे नाल कुछ ऐसा ही देखण नूं मिलिया। कल असी चाले पाए सीगे हजूर साहब तो बुरहानपुर जाण वास्ते। बुरहानपुर का सफ़र लंबा सी, सड़क बहुत ज़्यादा खराब सी। सानू लगता सी कि राती सानू पहुँचते पहुँचते 11-12 बज ही जाणगे, लेकिन गुरु साहब नूं कुछ होर मंजूर सीगा। असी गुरु नानक देव जी की चरण छो प्राप्त उस स्थान जिहड़े कि महाराष्ट्र विच सीगे, हंगोली, अकोला, बुलडाना, वह होंदे हुए बुरहानपुर के वास्ते प्रस्थान कर रहे सीगे। ते रस्ते विच गुरु साहब सानू लैके आ गए मलकापुर, जिस स्थान ते असी इस वक्त खलोते हैगे। यह गुरु नानक की दसवीं जोत साहिब श्री सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहासिक स्थान, जिदे आज आप दर्शन करोगे। इस स्थान पर आन का साड़ा कोई विचार, कोई शेड्यूल नहीं सीगा। अचानक मैं फोन आता है संगत दे साड़े एक बच्चे ऋषि पाल का, जिहड़े इंदौर च ने, तो उन्होंने पता लगता है कि असी जा रहे हैं बुरहानपुर। तो उन्होंने सानू आख्या कि तुसी इस स्थान पर रुक जाओ क्योंकि राती तुहानू देर हो जाएगी। इत्थे आ गए सानू मिलते ने सिंधी समाज के ओ वीर जिहड़े कि गुरु घर नाल बहुत जुड़े ने, भाई साहब हीरा लाल जी, ते नाल ही सिख वीर चमकौर सिंह जी जिहड़े कि इस गुरद्वारा साहब की सेवा कर रहे हैं। जिस स्थान पर असी इस वक्त खलोते हैं, स्थान का नाँ हैगा गुरद्वारा कदमसर साहिब, तो जिहदा पुरातन नाँ हुंदा सीगा संगतवाड़ी। आओ हमेशा की तरह आप जी नूं चल के सब तो पहले इत्थे दे दर्शन कराने आ। तो इहदा बहुत ही इंट्रस्टिंग इतिहास है जिहड़ा कि काफ़ी सारे फैक्ट्स नाल जुड़िया हुआ हैगा। आप जी नूं उहदे नाल भी सांझ पवावांगे। करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। हुण आप जी नूं गुरद्वारा कदमसर साहिब जी का इतिहास श्रवण करवाने आ। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। जिस स्थान पर मेरे सतगुरु के चरण पे, वो सारे स्थान ही पूजनी योग ने। अज तो तकरीबन 400 साल पहले मलकापुर दे विच इत्थे दे जागीरदार निमवंत राव का शासन सी। उस वक्त रियासत का पानी खारा होने की वजह के कारण जनता बहुत ही दुखी सी। जनता ने निमवंत राव जी नूं इस बारे दे विच गुहार कीती। उस वक्त लाल शाह नाम का एक फकीर इत्थे रहिंदा सीगा। जागीरदार दी उस फकीर दे विच बहुत ही आस्था सी। उन्हां ने उस फकीर लाल शाह नूं दरबार विच तलब कीता ते इस समस्या का समाधान करन वास्ते उन्हां नूं पुछया। तद फकीर ने राजा नूं कहा कि गुरु नानक देव जी दे 10वें अवतार साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बुरहानपुर विच आए ने, ते उत्थे उन्हां दा डेरा लग्या हुआ। नाल ही फकीर लाल शाह ने निमवंत राव जी नूं समझाया कि ओ कोई इंसान नहीं, वो आप अल्लाह दे सरूप ने, अतः आप जी उन्हां कोल जाके बेनती करो
ताकि इस रियासत का पानी शुद्ध ते मिठा हो सके। फकीर दी गल सुन निमंत राव जी ने बहरानपुर जाके गुरु महाराज जी नू पानी मिठा करन वास्ते ते जन जन दी समस्या नू हल करन वास्ते बेनती की। सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बेनती कबूल कर मलकापुर के इस स्थान पर आके पधारे। गुरु महाराज के इत्थे आण दी खबर मिलने तो बाद निमंत राव जी इस स्थान पर आप आए तो उन्होंने सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू बेनती की। उन्होंने बेनती सुन सच्चे पातशाह ने इत्थे एक खूह खोदन का आदेश दिता। जिस वक्त यह खूह खोदया गया उद्दे विच्चों शुद्ध ते मिठा पानी प्रगट होया। इस खूह के खोदन तो बाद मलकापुर का पानी शुद्ध ते मिठा हो गया जिदे करके संगतां निहाल हो गई। जिस कदम के पेड़ के थले बह के गुरु महाराज जी ने विश्राम किया सीगा, आओ आप जी नू वो पेड़ के भी दर्शन कराने हैं। वो अज भी इत्थे मौजूद है। मेरे पिछे आप देख रहे हैं वो साहबजादे बाबा फतेह सिंह जी निवास है। वो स्थान है जिथे रात असी रुके सीगे। इत्थे अठ कमरे बन चुके ने ते उत्ते दे अठ कमरे उसकी सेवा चलती पई है ते बहुत जल्द वो भी तैयार हो जाएंगे। बहुत ही वड्डे ते सोहणे भव्य गुरद्वारा साहब दा इत्थे निर्माण हो रहा है जिहदी सेवा दिल्ली तो संत बाबा हरबंस सिंह जी महाराज वो करवा रहे हैं। आओ तुहानू उत्थे दा वो भी दस रहा जिहड़ा नवा गुरद्वारा साहब बन रहा ते उसकी सेवा किस तरीके नाल हो रही है। क्यों कर कंत मिलावा हो ना मैं रूप ना बंके नैना, ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल टंग ना मीठे बैना। मेरे पीछे आप जी देख रहे हैं कि वो एक सोने गुरुद्वारा साहब का निर्माण कार्य चल रहा है। यह सेवा बाबा हरबंस सिंह जी दिल्ली वाले करवा रहे हैं। इस स्थान के उत्ते सन 1947 तो पहले एक छोटा जहा एक झोपड़ी होया करती सी, नाल एक कमरा होया करता सीगा जिथे महाराज का स्वरूप प्रकाशमान सी ते उदी सेवा करते सीगे इत्थे दे स्थानी लोग। इस पूरे एरिया दे अंदर खाली इको ही सिख परिवार है जिहड़ा कि तीन चार पीढ़ियां तो रह रहे ने। बाकी लोकल लोग ने जिहड़े सिख 15-20 फैमिलीज ने जिहड़ियां इत्थे व्यापार करदियां ने ते बहुत ज़्यादा सिख संगत इत्थे नहीं हैगी। लेकिन 200 दे करीब परिवार जिहड़े ने ओ सिंधी समाज के ने ते सिंधी समाज इस स्थान नाल बहुत जुड़िया हुआ हैगा। इस स्थान इतिहासिक किस तरह बनिया ते सारी गल्लां किस तरह हुई उहदे बारे विच यह पता लग्या हैगा कि इत्थे जिहड़े सिंधी समाज के लोग खत्री समाज के लोग ते नाल ही वीर चमकौर सिंह जी जिहड़ी इत्थे दी सेवा करदे पए सीगे उहनां नूं पता लग्या कि इह स्थान इत्थे दे जिहड़े जागीरदार सी निमंत राव जी उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू उपहार स्वरूप इस जमीन जड़ी है 12 एकड़ वो दान दी दित्ती हैगी। संगतां दा उपराला होया, उन्होंने कागज़ कढ़वाए ते कागज़ां तो यह पता लग्या कि सन 1818 दे विच निज़ाम दे जिहड़े राज वैद सीगे जिन्हां दा नां सी निमंत राव जिहड़े इत्थे दे जागीरदार भी सी उन्होंने यह जमीन जिहड़ी है उपहार स्वरूप या दान स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नाते की सीगी जिदे की कागज़ पत्र अज भी देखने को मिलते हैं। सो पहला इतिहासिक प्रमाण इस स्थान का ऐसी नाल जुड़ता है। दूसरा इत्थे एक बावली साहब हैगी जिहड़ी कि पुरातन है, आप जी नूं दर्शन करावांगे वो इहदा प्रमाण है। तो तीसरा प्रमाण जिस कदम के पेड़ के थले साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने विश्राम किया सीगा वो पुरातन पेड़। आओ आप जी नूं उस बावली साहब ते उस पुरातन पेड़ दे भी दर्शन कराने। आप जी दर्शन कर रहे हैं उस पुरातन खूह या बावली साहब दे जिहड़ी कि तकरीबन 400 साल पुरानी है। इनू संगमरमर लगा के उत्तों पक्का किया गया है ताकि ये अंदर कुछ अनवांटेड चीज़ां ना पाई जा सकन। ये अंदर आज भी पुरातन नानक शाही इट्टां देखण नूं मिलदियां ने जिदे आप जी नूं दर्शन कराने हैं। प्यारी जीओ ऐ वो
इतिहासिक दरख्त है जिहड़ा कि तकरीबन 400 साल तो भी पुराना है, जिहदे बारे आख्या जांदा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस वक्त इत्थे आए सी ते ऐसी दरख्त दे थले बह के उन्होंने विश्राम किया सीगा। ए कदम दा एक दरख्त हैगा, कदम दे फुल होंदे ने ओ इत्थे निकलदे ने, इस वक्त सुक्या होया हैगा या पतझड़ करके सुक रहा हैगा। पहले इत्थे फुल निकलदे ने ते बाद च पत्ते निकलदे ने, ऐसा सानू इत्थे दे लोगां ने दस्या। समझावण जाए मुठाप मुहाए साथ है नानक ऐसा आगू जापे, नानक ऐसा आगू जापे, नानक ऐसा आगू जापे। मेरे पिछे आप जी दर्शन कर रहे हो उस स्थान दे जिन्हों थड़ा साहब आख्या जाता हैगा। यह याद च बनाया गया उस स्थान जिदे बारे आख्या जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस वक्त इत्थे आए सी ते जिस पेड़ दे थले बैठे सी उदी याद च बनाया गया जिदे आप जी दर्शन कर रहे हो। मनोई बाबा आखी हाजिया शुभ अमला बाजो दोनों साढ़े नाल ने इस वक्त इत्थे दे पांच बार MLA रहे चैन सुख मदन लाल संचेती जी जिहड़े कि इस वक्त विदर्भ विकास मंडल दे अध्यक्ष भी ने, इन्हां नूं कैबिनेट मंत्री दा दर्जा प्राप्त हैगा। संचेती साहब दा परिवार इत्थे पिछली पांच पुश्तां तो रह रहा है ते मैनूं लगदा है कि इन्हां कोल पुछणा बिल्कुल उचित होएगा कि इन्हां नूं इस स्थान दे बारे विच की पता हैगा। संचेती साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ शिवाजी महाराज के जन्म उत्सव की जो कल था शायद। तो मुझे आप ये बताएं कि ये स्थान पे जैसे आपसे बात हुई थी तो आपने बोला कि मैं बचपन में जब 10 साल का था तो यहाँ आया करता था, तो और आपकी पांच पुश्तियों से आप लोग यहाँ पर हैं, तो आप लोगों को इस गुरुद्वारा साहब के बारे में क्या मालूम है? मलकापुर का ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा कदमसर गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी जहाँ जिस स्थान पर आए और रहे उस स्थान को ये कदमसर गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक प्राचीन ऐसा पेड़ है कदमसर का जिसके नीचे वो बैठे थे और बैठ कर के उन्होंने यहाँ पर लोगों की समस्याओं को समझने का काम भी किया था। कदमसर का पेड़ अभी आपके सामने मौजूद भी है जो काफ़ी पुराना है, और यहाँ की विशेषता वो तीन रोज यहाँ पर रहे थे बस उतनी ही एक खोली थी, और गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ रखा गया था आज समाधि का स्थल है वहाँ पर रखा गया था, और आने जाने वाले यात्रिकों और सभी समाज यहाँ का माने सिंधी समाज क्षत्रिय समाज और सिख समाज सभी बड़े पैमाने पर और हिंदू समाज भी यहाँ की महत्व को जानते हुए ये संतों की भूमि है करके आज तक हजारों लाखों की तादाद में आते रहे दर्शन लेते रहे ऐसा सभी लोगों का मानना भी है, और मैंने खुद ने भी देखा है करीब करीब 50-60 साल से तो मैं ही देखते आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो कोई सी सर्टिफिकेट होता है जो ऐतिहासिक गुरुद्वारों को दिया जाता है वो भी मिला है? जो तीर्थ क्षेत्र विकास का निधि होता है और उसको दर्जा भी दिया जाता है। हमने और हमारे सांसद थे हरिभाव जी जावड़े, और साथ में यहाँ के गार्जियन मिनिस्टर थे भाऊ साहिब जी फुंडकर, तो उन लोगों ने और हमने मिलकर के मेरे ही काल में उसको क दर्जा जो है सी क्लास ये हमने देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों से बात करने के लिए, और जो आपने इस गुरुद्वारा साहब के लिए जो किया उसके लिए हम लोग आपके धन्यवादी हैं। उत्तर दक्षिण तो पूर्वी पश्चिमी देश भी तारे ने सिख आख दे गुरु जी नू पीर मुसलमाना दे प्यारे मन अंदरों मोटिवेट किता। लेकिन आपका ये खोज ये
जारी रहे और हमारी शुभकामनाएं जो धरातल पर वास्तविकता का आप जो यहाँ पर जानकारी हासिल कर रहे हैं ये निश्चित रूप से एक काबिले तारीफ बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन जीरो है, ये सब गुरु साहब की उनकी इच्छा मर्जी और उनकी प्रेरणा है, जो भी चलता है उनकी मर्जी से उसके द्वारा ही कर पा रहे, वरना इस उम्र में तो लोग घर में बैठे हुए तो मुझे ड्यूटी मिली है एक गाड़ी द्वारा चल के हर जगह स्थानों पर जाने की, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और मालिक का जो उन्होंने मुझे इतनी प्रेरणा दी, और आप जैसे लोग जुड़ते जाते हैं इस यात्रा में और इसका हिस्सा बनते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਢਵਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਡੇਟਾਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 30/9/1818 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਨਿਵੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ? ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਮੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ੋਕ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕਾ ਆਨੇ ਕਾ ਯਹਾਂ ਪਰ। ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਕੋ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਜਬ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਕਾ ਆਪ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੇ ਆਤੇ ਹੈਂ, ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਛ ਬਾਤੇਂ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਬਤਾਏ। 1968 ਮੈਂ ਹਮ ਜਬ ਆਤੇ ਥੇ ਤੋ ਯਹਾਂ ਜੰਗਲ ਥੇ ਔਰ ਬਿੱਛੂ ਔਰ ਸਾਂਪ ਨਿਕਲਤੇ ਥੇ, तो यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं देता था, तो हमारे कई बुजुर्गों ने वो देखा है और उन्होंने कार सेवा करके थोड़ी साफ़ सफाई करके और मेल मिलाप करके घर से ही खाना बना के आते थे और सबको खिलाते थे और धार्मिक विधि पूरी किया, और गुरु नानक जयंती के दिन और पूर्णिमा के दिन एक बहुत बड़ा भंडारा करते थे और लोगों को जोड़ने का काम करते थे और इस गुरुद्वारे के मानता के बारे में बातचीत करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हक पराया नानका उस सूर उस गाय, गुर पीर हा माता परे जा मुर्दार ना खाए, गली पिस्त ना जाइए छुट्टे सच कमाए, मरण पाहे हराम में होए हलाल ना जाए, नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए, कूड़ो पल्ले पाए, कूड़ो पल्ले पाए, नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए, कूड़ो पल्ले पाए, कूड़ो पल्ले पाए। 12 acres विच फैले हुए गुरुद्वारा कदम सर वास्ते संगत ने बहुत सेवा की है, संगत की सेवा ते सहयोग नाल ही ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਵਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ 1200 ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਪੇੜ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਨ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਟਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1200 ਪੇੜ ਇੱਥੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੇੜ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ
दूजे तीजे दिन वो इत्थे आंदे ने ते इहदी देख रेख करदे ने जिहड़ा कि बहुत ही उल्लेखनीय हैगा। अज दा इह स्पैशल एपीसोड असी इत्थे ही खत्म करने हैगे आ ते हुण चाले पा रहे हैगे आ असी बहरानपुर जाण वास्ते जिथे कि गुरु नानक देव जी दी चरण छोह प्राप्त स्थान जिहदे आप जी नूं दर्शन करावांगे इत्थों तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी ते। तो आओ तुसीं भी उस यात्रा का हिस्सा बनाओ तो बने रहो साढ़े नाल ते वेखदे रहो टर्बन ट्रैवलर की स्पिरिचुअल जर्नी साढ़े यूट्यूब द टर्बन ट्रैवलर ते। छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका। सतगुरु नानक धन गुरु नानक, सतगुरु नानक ही दुनिया वाली अखेड़ रचाई।